हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका यूएसबी केबल काम नहीं कर रहा और फाइल आप कंप्यूटर से फोन कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेटिंग में जाइए, अबाउट फ़ोन में जाइए और एमआई यूआई वर्जन पे 7 times क्लिक करिए। हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो नो नीड, यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड। बैक आइए, यहाँ पर डेवलपर मोड में जाइए, ये एडिशनल सेटिंग डेवलपर मोड आ गया, इसमें एडिशनल सेटिंग में जाइए। यहाँ देखिए डेवलपर मोड ऑप्शन आ गया, यहाँ पर डेवलपर मोड ऑप्शन ऑफ करके ऑन कर लीजिए तो ये आपका डेवलपर मोड ऑन हो गया है। अब आप यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर दीजिए, ओके करिए। नीचे आइएगा, सेलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एमटीपी मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका ये यूएसबी जो है पोर्ट काम करने लगेगा, वीडियो काम करने लगेगा। लेकिन अगर फिर भी आपका वीडियो कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा है, अब आप हम कंप्यूटर में दिस पीसी को खोलिए और आप देखिए कि उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको क्लिक दिस पीसी करना पड़ेगा। दिस पीसी करिएगा तो आपका अगर फ़ोन नहीं दिखा रहा है तो आप सीधे अपने केबल को चेंज कर दीजिए। हमारे में नहीं दिखा रहा है तो हम केबल को चेंज कर देंगे। अब हम जब केबल को चेंज कर देंगे और कनेक्ट करेंगे फ़ोन को तो ये देखिए यूएसबी चार्जिंग दिस डिवाइस पर टैप कर दीजिएगा तो ये देखिए चार्ज दिस डिवाइस ट्रांसफ़र फाइल ट्रांसफ़र फ़ोटोज़। तो आप जो करना चाहिएगा वो चेंज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम ट्रांसफ़र फाइल पे जब करेंगे यूएसबी फाइल ट्रांसफ़र आ जाएगा। अब वो जब हम यूएसबी पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आप गैलरी में जाइए और जो भी फाइल आपको ट्रांसफ़र करनी है वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये फाइल है, वीडियो है, इसको हम लोग को ट्रांसफ़र करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए सेंड आ गया। तो सेंड करने पे आप जहाँ पे भेज दीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप भेज दीजिएगा वहाँ पर, यूट्यूब, मेल, जहाँ पे भी भेज दीजिएगा वहाँ पे आपका ये चला जाएगा। तो इतने ऑप्शंस हैं, आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भेज दीजिए इसको और आपका मोबाइल से इतने ऑप्शंस हैं, आप यहां से फ़ोन पे दिखा दीजिएगा और यहां से आपका फ़ोन दिखने लगेगा। तो ये इस तरह से आप अपने यूएसबी को सही करके काम करने लायक बना लीजिएगा और आपका यूएसबी काम करने लगेगा। कुछ यूएसबी केबल जो होते हैं वो केवल चार्जिंग के लिए होते हैं तो इसीलिए हमने केबल बदला और चेक किया कि केबल की प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर की प्रॉब्लम है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ड्राइवर अपडेट करना पड़ता है तो वो कंप्यूटर से आप ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। अगर अपना ड्राइवर आप अपडेट कर दीजिएगा तब भी आपका यूएसबी केबल काम करने लगेगा। आपके यूएसबी केबल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी सेटिंग
कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इसके लिए दिस पीसी पे जाइए और यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाइए। यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर दिखेगा, उसको ऑन करिए। डिवाइस मैनेजर में आपको पोर्टेबल डिवाइस दिखेगा, अगर ना दिखे तो व्यू में जा कर के यहाँ पर शो हिडन डिवाइस करिएगा। यहाँ पे देखिए पोर्टेबल डिवाइस आ गया, इसको जब आप ऑन करिएगा तो आपका फ़ोन दिखेगा यहाँ पर। इसमें राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर कर दीजिएगा। जब आप अपडेट सॉफ्टवेयर कर दीजिएगा तो आपका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा। सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, विंडो विल सर्च योर कंप्यूटर द इंटरनेट फॉर लेटेस्ट ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर योर डिवाइस अनलेस यू आर डिसेबल दिस फीचर इन योर डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग। और ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, लोकेट इंस्टॉल ड्राइवर सॉफ्टवेयर मैनुअली, और या तो आप मैनुअली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जो जिस ढंग से करना हो उस ढंग से कर लीजिएगा। हम कर चुके हैं और हमारा फोन दिख रहा है, रेडमी नोट 5 दिखेगा, इसलिए हम इसको फिर से अपडेट नहीं कर रहे हैं। और जब हम अपना दिस कंप्यूटर खोलेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पर मोबाइल रेडमी नोट 5 दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे में प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। आप भी इसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन को कंप्यूटर में देख पाइएगा। So this is all today viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link. Join my telegram channel Tech Ratan. Thank you.